बरेली थाना सैरगढ़ के कुड़का गांव के निवासियों ने एसएसपी से शिकायत की है। आरोप है कि नशे में धुत होकर थाना सैरगढ़ के सिपाहियों ने उनके साथ गाली गलौज और घर में घुसकर मारपीट की है। कुड़का के रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि 2 जुलाई 2022 को ये सभी लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए थे, तभी अमित कुमार, पंकज कुमार सिपाही नशे में थे आए और गाली देने लगे। धर्मवीर को पंकज सिपाही ने जोर से पकड़कर घसीटा। सोनू आकाश, मानसिंह को बहुत पीटा। दिनेश, राकेश और अन्य सभी की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। ये सब नशे में धुत थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष को दी तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करेंगे, लेकिन नशे में धुत सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन पुलिस वालों ने ग्रामीणों को मुकदमे में बंद करने की भी धमकी दी है। डरे सहमे ग्रामीण आज एसएसपी दफ्तर पहुंचे और थाना शहर के सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अरे पुलिस वालों ने मारपीट करी है, इसलिए शिकायत करने आए। वो दारू के नशे में थे दो पुलिस वाले, थाना सैरगढ़ का। कोई हमारे नाम तहरीर भी नहीं है, कुछ नहीं था, ऐसे ही अचानक आए थे। वो नशे के थे, दूसरी पार्टी वालों ने बुलाए थे, उनके नाम तहरीर थी, इसलिए वो तो समझ रहे। वो तो अंधाधुंध सभी पूरे गांव वालों को मारते हुए चले आए। हम खरंजे पे खड़े थे। हाँ, नशा पिए हुए थे, दारू पिए हुए थे दोनों सिपाही। उस समय पे ड्यूटी पे भी नहीं थे पुलिस वाले, कमरे पैसे आए थे, सादा वर्दी में थे। उन्हें बुलाया गया था कमरे पैसे। हाँ, उनका दूसरी पार्टी ऐसे लड़ गई थी आपस में, और वो हर एक गांव वालों को मारते हुए चले आए। कोई बात नहीं, गांव में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।